वेलकम टू माय किचन पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं हम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम पलम खासी बात से ठीक है। मैं भी और मेरे बच्चे भी। और अभी पूजा दीदी है जो कपड़ा निकाल के दी नहीं, इतना सारा कपड़ा पड़ा तो दीदी बोले कोई सा भी कपड़ा पहन लो, तब हम कोई सा भी कपड़ा पहन लेते हैं। और कपड़ा पहन के क्या भी रेडी होता है, कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा, तुम बने रहे मेरे ब्लॉग पे। और अभी एक दो दीदी थी तो मेरे को कमेंट करके बोली है कि मेरे को क्या अपना मेकअप का वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर मैं एक दिन अपना मेकअप का ब्लॉग लाऊंगी, बहुत जल्द लाऊंगी फ्रेंड्स। तो पहले तो मैं बेबी का फेस रिवील करूँगी, मतलब फेस वो नहीं, मतलब कि बॉय है कि गर्ल ये वाला, तो उसके लिए भी देखेंगे आप क्या करते रहे थे। अभी हम ये लग के देखिए जो है सीरम इसको लगा लेते फेस पे, तब हम बने रहे फटाफट रेडी होना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि मैं कैसे दिख रही हूँ, सिंपल लुक है ये सिर्फ। और मेरा मुंह फेस आपको लगा शायद ऑयली ऑयली दिखता होगा, तो ऑयली ऑयली इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं फेस में मतलब सीरम लगा नहीं, इस वजह से ऑयली ऑयली लग रहा है आपको। तो अभी थोड़ा सा छोटा सा बिंदी लगा लेते, बिंदी का भी अच्छा नहीं लगता, सिंदूर का है फ्रेंड, सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो चलिए दीदी जाना नहीं है, चलो फ्रेंड्स जब निकलते हैं घर से बाहर तो आप लोग हमारे साथ भी चलिए, बने रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। फैमिली तो अभी हम लोग जस्ट निकले घर से, लेकिन यहाँ पे सब जगह ना पता नहीं क्या क्या सब्जी रात भी जल्दी, मतलब रात का टाइम में ड्रेस सूट का बॉडी वोडी खा दी, तो आप लोग मुझे खा दे हम लोग बने रहिए, देखना नहीं चाहिए बट। तो सब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते कि बॉडी लास्ट ले जाने वाला गाड़ी था, तो अभी जस्ट हम मॉल पहुँच गया। अच्छा हुआ हमके बाबू को लेकर के नहीं आए रात का टाइम में, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा भी मौसम था, इस वजह से नहीं लेके गए। तो बाबू को छोड़ कर जा रहे हैं घर में, दीदी लोग हैं तो फटाफट शॉपिंग कर। फ्रेंड्स अभी जस्ट हम मॉल के अंदर में गए हैं और यहाँ पे देख सकते कि पीयू को डालची गाड़ी में बैठा चुके हैं, डालची गाड़ी हम बोलते फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग क्या बोलते कमेंट कर बताइएगा। तो अभी सामान से देखते हैं कि क्या क्या लेना चाहेगा, तो ले लेते फटाफट फिर घर भी निकलना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर सामान भी है, और अगरबत्ती तेल वगैरह फेस वाश और साबुन वबुन, और यहाँ पे देख सकते कि फटाका वटाका जो होता है बर्थडे पे फोड़ते वो वाला सब था। और वाह इतना सुंदर सुंदर प्लेट कप ग्लास, वाह। सो फ्रेंड्स ये अलग देख सकते मेरे हाथ में क्या है फ्रेंड्स, बोतल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुंदर सुंदर है। तो ये अलग बोतल क्या चीज़ का बोलोगे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, कि कांच का कि बोतल या प्लास्टिक का, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये क्या चीज़ का बोतल है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर गिलास वसलस था, और यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिंक पीने वाला गिलास है, और जूस भी पी सकते हैं, ड्रिंक का ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे हम और दीदी चेस कर रहे थे जूस डाल करके, तो बाबू भी दे रहा था कि देखिए मैं उसे ये वाला हेल्प करके। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर, तो मुझे लेने का बहुत मन था बट मेरा घर और स्टेप करने आया, ये ब्रांड कंपनी का गिलास है, इतना छोटे छोटे कांच का गिलास है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि ये क्या चीज़ में यूज़ होता है, किचन मुझे पता नहीं है ये वाला क्या चीज़ में यूज़ होता है, और कितना सुंदर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम भी अपने लिए देख रहे थे खाने के लिए, दीदी बोले कि देख लो क्योंकि नाश्ता बनने और देरी होता तो अपने लिए ले लें। हो गया फाइनली पूरा खाने पीने से बच्चा लेने में लिया गया है, तो दीदी का बिल बहुत ज़्यादा बन चुका है, तभी मैं निकलते जल्दी से क्योंकि बाबू को भी छोड़ कर खाए, उसको भूख लग गया, फिर उन्हें नजर पर दिक्कत है, इस वजह से हम लोग घर का सामने वाला मॉल आए थे। कारण रात भी हो गया, सिर्फ पानी भी ठंडा ठंडा तब तक गिर रहा ना, तो इस वजह से बच्चों को लेकर बाहर आना भी मुश्किल है फ्रेंड, तो हम बाहर में नहीं लाए बाबू को, घर में दीदी को देख, दीदी देखी बाबू को, तो हम लोग अभी आया तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है घर का, सामने ही में मॉल है, तब हम निकलते तब लोग बने हुए हमारा बना खाने पे आज क्या चलिए, बहुत सारा सामान। तो मॉल से के बाद बाबू को दूध दूध पिला दिया था, उसके बाद वो आराम से सो रहा था, हमको भी नींद आ रहा काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बाबू रात में जग रहे थे इस वजह से। तो यहाँ पर हम खाना खाने जा रहे, दीदी बना ली है रोटी और बैगन का सब्जी है, तभी हम हाथ धो लेते फटाक से खा लेते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करके सो जाएंगे। तो दीदी भी जा रही खाने के लिए, और दीदी और यहाँ पर मेरा निकला हुआ रोटी, तो अभी हाथ धो करके खा लेते, और नींद दीदी को भी नींद आ रहा है और हमको भी नींद आ रहा है, आप लोग देख रहे मेरा आँखें से पता चलता होगा कि नींद आ रहा है। आ गई प्यू, हाँ दी बाप रे पिज्जा लेके आई, कौन दी प्यू, पापा का दोस्त दिया, कौन दिया, चलो फ्रेंड्स फटाफट ना धो लेते हैं। फ्रेंड्स देख सकते बैगन है, टमाटर है और मिर्चा, देखो इसको कुछ भरता टका बनाया गया है, और यहाँ पे पराठा रोटी है, और यहाँ पे गर्म पानी है, तो चलो फटाफट खाए थे। यहाँ पर मिठाई देख सकते,
चलो फटाफट खा लेते फ्रेंड्स, क्योंकि बाबू भी सोया तो फटक से खा कर फिर सुबह में सो जाते हैं, सुबह में भी थोड़ा देर नींद पूरा हो जाएगा और बाबू का भी। हेलो टू फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी फिर से मॉर्निंग से मैं ब्लॉग अभी एड कर रही हूँ और आप लोग कैसे, उम्मीद करके कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हम जस्ट ब्रश किए हैं और बाबू को भी यहाँ पे दूध पिला कर चला चुके हैं, देख सकते हैं। और हमें बाबू और मैगी भी बन कर रेडी है, दीदी नाश्ता में मैगी बनाई है। और बाबू का हम गंदा कपड़ा और साफ कपड़ा जो टॉयलेट में लटक गया है उन सब कपड़े से हम डुबा दिए हैं सिर्फ पानी में, और जब पोटी वाला उसको अच्छे से पानी में पहले अच्छे से उसको साफ उप करेंगे, तो फिर उसको सर्फ पानी में डुबा कर डिटॉल में अच्छे से खंगाल कर फिर धूप में सुखाएंगे। तो आज हमको सर धो कर नहाना है, कल सर धो कर नहाएंगे तो लेकिन कल हो नहीं पाया था, तो आज सर धो कर नहाएंगे। तो अभी दाई माँ के इंतजार करके कब आएगी तो बाबू को मारे चुलिस करें, तो फिर बाबू का दो तीन कपड़ा निकले धोने में तो उसको भी साथ में धोते हुए सुखा देंगे कि बार बार करके, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता है इस वजह से। तो आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग पर बने रहे तो टेस्टी टेस्टी दीदी जैसे नाश्ता मैगी बनाई है तो हम आप लोग दिखाते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। फ्रेंड्स, टेस्टी टेस्टी मैगी बन कर रेडी है और काफ़ी दिन के बाद मैगी खाने का मौका मिल रहा है। और वाला बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, वाला बॉक्स में बहुत सारा खाने पीने का सामान पियो कर लिया गया है, तो हम आप लोग दिखाते हैं। और इसके अंदर में दिख रहा फ्रेंड्स, बाबू का भी दो तीन सामान लिए हैं, तो चलो अभी हम दिखाएंगे बाद में। तो अभी फिलहाल आप लोग ऐसे में ब्लॉग पे बने रहे तो हम नाश्ता कर लेते हैं। और आप लोग नाश्ते में क्या खाए थे कमेंट में बताइए। आप मैगी खाने के बाद दाई माँ आई थी, बाबू को मालिश कर दी और उसके बाद बाबू आराम से सो रहे हैं, तो बाबू सो गया था तो हम भी साथ में सो रहे थे। सर में इतना ज़्यादा तकता अभी भी हम लोग अजीब से लग रहा है। तो दीदी आज बनाई है स्पेशली चिकन बटर मसाला, तो कैसे बनाया इससे आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा घर में बना के। तो मैं खाने तो चलो देखिए कि दीदी का इस्तेमाल बहुत टेस्टी बनाती है, तो जा रहे थोड़ा सा हाथ तो मुँह धो ले तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कपड़ा पर सब भी धोला दिया तो बस सबको रील्स बनाएंगे ना, लेकिन बाद में मौसम बहुत ज़्यादा खराब है खाना। तो अभी हम खाना निकाल दीदी निकाल कर रख दी थी, तो अभी हम खाना खा लेते हैं। और जीजा जी, दीदी कैसे बनाई बताइए, टेस्टी बनाई ना? मेरा कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बिना टेस्टी, मतलब कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि टेस्ट नहीं है, हर चीज़ टेस्ट लगता है। हाँ, असल में चाहे नॉन वेज हो या वेज हो हर चीज़ टेस्ट लगता है। ये बटर चिकन तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत टेस्ट बना है। तो चलिए खा लेते फटाफट, उसके बाद हमको तो ऐसा लग रहा है हम रेस्टोरेंट से लाए लेके आए, वैसे ही लग रहा ना, वैसे ही लग रहा है, खा के तुम देख कर पाता है वैसे ही लगेगा। दीदी अपना मेहनत का रंग ला रही है, चिकन में रंग तो चलिए फ्रेंड फटाफट खाते हैं। और सुबह हम लोग का रील्स बनने के लिए भी रेडी होना, लेकिन मौसम थोड़ा सा कैसे दिख रहा है फ्रेंड, तो लेकिन फिर भी आज का हम लोग बहुत डेंजर वाला रेडी होंगे, जब खाना खाने बैठेंगे क्या बोले उसको ले लेके आप गोदी में खाना पड़ेगा ना फ्रेंड, तो फटाफट खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग उम्मीद करता है कि आप लोगों को पसंद आएगा, अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मैं अपना बच्चा के साथ में यहाँ पे खाना खाने के बाद लेटी हुई हूँ क्योंकि दीदी गई है सांची इस वजह से। तो चलो आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए और मेरे बाबू को आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चा को फ्रेंड्स आप लोगों सबको। तो चलो बाय बाय।